वेलकम बच्चों, अभी हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन वाई के एंड सिग्मा, राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक यूनिट क्यूब ले रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग अ यूनिट क्यूब ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। एंड इस जो यूनिट क्यूब है, यूनिट क्यूब में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में हैं, जिनका मैग्नीट्यूड एफ है। आप यहाँ से देख सकते हैं ए बी सी डी फेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम बॉटम फेस पर डाउनवर्ड साइड लेफ्ट एंड राइट में भी फोर्स एक्ट कर रहा है, और फ्रंट एंड बैक में भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, राइट। सो इस फोर्स के कारण हमारा स्ट्रेस निकल सकता है, द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। हमने फोर्स क्या लिया है एफ, और एरिया क्या है हमारा, कोई भी एक फेस अगर आप ले रहे हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप ये टॉप सरफेस ले रहे हैं तो इसका क्या एरिया हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी, एफ डिवाइडेड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय वन, सो दिस इज एफ, राइट बेटा। सो स्ट्रेस इज एफ। दो क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, वी आर नाउ डिफाइनिंग टू क्वांटिटी अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज द इंक्रीज इन द लेंथ, इंक्रीज इन द लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस, along the force direction. Alpha basically क्या है कि मान लीजिए अगर ये ऊपर ए बी सी डी फेस पर जो फोर्स लग रहा है, टॉप फेस पर और बॉटम फेस पर जो फोर्स लग रहे हैं, इनके कारण जेड डायरेक्शन में जो एक्सटेंशन होगा इस क्यूब का, उसके बारे में अल्फा डिफाइन कर। तरीके से हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेंथ, basically contraction in the length per unit length per unit stress in perpendicular direction to the applied force, right? बीटा क्या दे रहा है, बीटा वो फ्रैक्शनल चेंज है, फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ है, जो कि फोर्स लगने वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन एफ डायरेक्शन में हो रहा है, तो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो इसी तरीके से ये अल्फा एंड बीटा को हमने डिफाइन किया है। अब अल्फा बीटा को डिफाइन करने के बाद हम जो है देखेंगे कि टोटल लेंथ क्या हो जा रही है, टोटल लेंथ अलोंग द, टोटल लेंथ अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन को यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया, ए बी साइड, राइट। ए बी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन डिफाइन की गई है दिस वन, तो एच ई डायरेक्शन या हम कहिए ए जी डायरेक्शन में कितना जो है लेंथ हो जा रहा है, तो ओरिजिनल लेंथ कितना हो जाता, वन, ओरिजिनल लेंथ हमने यूनिट क्यूब लिया है तो वन है, प्लस एक्सटेंशन कितना हो जाता है अल्फा टाइम्स, अल्फा इज द इंक्रीज इन द लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इंक्रीज इन द लेंथ हो जाएगा, सो अल्फा टाइम्स टोटल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है एफ, एंड टोटल लेंथ वन। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है, दिस इज द इंक्रीज इन द लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट एक्स डायरेक्शन में अगर हम लेंथ टोटल लेंथ निकाल रहे हैं, तो एक्स और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनके कारण एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स, कितना लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज बीटा टाइम्स एफ इंटू वन
माइनस बीटा टाइम्स एफ इंटू वन। आपको यह समझ में आ गया? सो टोटल लेंथ अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या हो गई, ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके कारण इंक्रीज इन द लेंथ, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके कारण एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ, एंड जेड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके कारण एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ। तो इस तरीके से वन प्लस अल्फा माइनस टू बीटा इंटू एफ, राइट, ये हमारा टोटल लेंथ अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से टोटल लेंथ अलॉन्ग द वाई एंड जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, द सेम थिंग, वन प्लस अल्फा माइनस टू बीटा एफ, राइट। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे वॉल्यूम हमारा जो है, वॉल्यूम कितना हो जाता है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा माइनस टू बीटा एफ क्यूब। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी विल यूज ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी सी ए बी, सो वन क्यूब इज वन प्लस अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले हम लिख देंगे थ्री ए बी, थ्री टाइम्स अल्फा माइनस टू बीटा इंटू एफ प्लस हायर ऑर्डर ऑफ अल्फा एंड बीटा, राइट। सो हम इस हायर ऑर्डर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा को निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों निगलेक्ट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ अल्फा रेंजेस बिटवीन 0.01 टू 0.05 और बीटा की भी वैल्यू इससे भी छोटी होती है, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस। अगर हम इसका स्क्वायर और क्यूब करेंगे तो ये क्वांटिटी और कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको इसके हायर ऑर्डर को निगलेक्ट करते हैं। सो हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री टाइम्स अल्फा माइनस टू बीटा इंटू एफ, राइट। तो चेंज इन द वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज इन द वॉल्यूम डेल्टा बी इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस वन, इस चीज में इस क्वांटिटी में वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली वन वन कैंसिल आउट, सो चेंज इन द वॉल्यूम इज थ्री टाइम्स अल्फा माइनस टू बीटा इंटू एफ। सो यहाँ से आप निकाल सकते हैं स्ट्रेन, वी कैन फाइंड आउट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, थ्री अल्फा माइनस टू बीटा इंटू एफ, राइट। ये आपका हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम वन है। हमें y k एंड सिग्मा के बीच रिलेशन चाहिए तो k का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सो बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज k इज इक्वल टू स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यहाँ पे आपका पहले हमने निकाल लिया था f डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू एफ, एंड दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स अल्फा माइनस 2 बीटा, राइट। तो अब यहाँ से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा आप ऊपर और नीचे यानी इनको डिवाइड कर दीजिए, यू कैन मल्टीप्लाई हियर बाय अल्फा एंड डिवाइड अल्फा, सो डिवाइडिंग बाई अल्फा वी हैव दिस 1 माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। अब हम 1 बाई अल्फा एंड बीटा बाई अल्फा की वैल्यूज देखेंगे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन,
बेसिकली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल, और यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसको क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया, फोर्स एरिया क्या है, वन मल्टीप्लाई बाय वन यूनिट एरिया है, राइट right? और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन हमने अल्फा किस तरीके से डिफाइन किया था, अल्फा वाज द एक्सटेंशन, इंक्रीज इन द लेंथ, अल्फा वाज इंक्रीज इन द लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट स्ट्रेस, और स्ट्रेस से अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, वन बाई अल्फा इज वाई, राइट। एंड इसी तरीके से सिग्मा पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, पॉइजन रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट, लॉन्गिट्यूडनल। लैटरल स्ट्रेन बीटा से डिफाइन किया जाता है, बीटा इंटू एफ, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे हम लिख चुके हैं, दिस, सो दिस इज बीटा बाई अल्फा, सो यहाँ से हमारे दो वैल्यूज आ गई, बीटा वन बाई अल्फा और बीटा बाई अल्फा की वैल्यूज आ गई। अब हम इसे यहाँ पे रखेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट आवर इक्वेशन बिटवीन डिजायर्ड इक्वेशन, सो वन बाई अल्फा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई थ्री टाइम्स वन माइनस टू सिग्मा, राइट। अब इसको थोड़ी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो वी आर गोइंग टू गेट आवर डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा, सो वाई इज इक्वल टू थ्री के 1 minus 2 sigma, this is our desired equation, right? So now you can solve this equation. हमें इसे रिलेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक यूनिट क्यूब लेना है, यूनिट क्यूब में यूनिट क्यूब ए बी सी डी ई एफ जी एच लेंगे, एंड दिस इज एक्टेड अपॉन बाई द यूनिफॉर्म आउटवर्ड फोर्स एफ, ठीक है, हर एक साइड में आउटवर्ड फोर्स एफ लग रहा है, तो स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर लेंगे, स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद हमें देखना है ये सारे फोर्स जब एक्ट कर रहे हैं तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या होता है, तो एक साइड के अलॉन्ग हम जो है टोटल लेंथ निकाल लेंगे, सो वन इनिशियल लेंथ इज वन, देन इंक्रीज इन द लेंथ ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द साइड, राइट। तो ए बी साइड में ये एफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो इसके कारण अल्फा इंटू एफ, और जो ये y एंड z डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं इसके कारण 2 बीटा अल्फा जो है 2 बीटा f जो है कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ हो जाएगी, और फिर वहाँ से v आ जाएगा, एंड देन आफ्टर v यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा v, एंड देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड फाइनली यू राइट डाउन ऑल द थिंग्स इनटू द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस, एंड फ्रॉम देयर यू जस्ट रीअरेंज दीज टर्म्स, एंड देन दिस इक्वेशन कम्स आउट। थैंक यू।